Ahoy, mateys, it's our Captain Pie. तो आज हम खेल रहे हैं ओटर ओशन। तो अगर आपने ये गेम नहीं खेला तो बहुत अच्छी बात है, मैं हूँ बताने के लिए कैसा है ये गेम। तो बेचारे यहाँ पे क्या होता है कि ओटर का एक झुंड आराम से मजा कर रहा होता है एक आइलैंड में बैठ के, लेकिन उनकी मतलब वो लोग देखा नहीं होता, उन वो लोग देख नहीं पाते कि उनके लिए हरिकेन आ गया और उनकी अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी उजड़ जाती है और सब लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो बेचारा ये कोबी हमें मिल जाता है और कोबी में बोल रहे, देखो अगर आपके पास दिल है तो मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरे दोस्त सारे इधर उधर हो गए हैं, हमारा आइलैंड पूरा बिखर गया है, तो मेरी मदद करोगे क्या। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, अरे तुझे दिख नहीं रहा लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, छुपाया हुआ है लेकिन दिल है मेरे पास, तो मैं तेरी मदद करूंगी। तो मैं इस चुटकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, पर बात यह क्या मदद करनी है, करना क्या होगा वो तो आगे ही जाके पता चलेगा। सबसे पहले हमें ग्रेवल में चुन लिया है, द डाई विल टेक 3 सेकंड्स टू कंप्लीट। तो ग्रेवल बीच में इसको मैं भेज देती हूँ, ठीक है, और 3 सेकंड के अंदर ये हमें लेके आएगा कुछ ढूंढ के। देखो इसको आ भी गया। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ऐसे बीच में जाते हैं, डुबकी मारते हैं और एक बक्सा उठा के लेके आ जाते हैं जिसके अंदर पहला हमें ओटर मिल गया है। ओह माय गॉड, वो अपना एक दोस्त को उठा के लेके आया, कौन होगा, देखो पूरा सस्पेंस चल रहा है, कौन है, ब्रैड। ओह माय गॉड, इसका चेहरा देखो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, ओहो मजा ही आ गया यार इसका चेहरा देख के। कोबी, थैंक्स फॉर गेटिंग मी आउट ऑफ दैट स्पॉट। ठीक है, तो मिल गए दो दोस्त, दो यार, कोबी और ब्रैड, इनकी अच्छी जोड़ी है। और बात यह है कि ये लोग क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्रेवल बीच है जिसको हम क्लीन अप करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो ओटर हो गए हैं क्लीन करने के लिए। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, लोग डाइव मारते हैं, डाइव मार के उनको जो भी मिल गया उसको लेके बाहर आ जाते हैं। उसके अंदर वो ओटर हो सकता है, कोई उनका खाने का चीज हो सकता है, कोई आइलैंड में सजाने वाली चीज हो सकती है, बहुत सारे वैरायटी चीज होती है जो कूद, और शेल्स भी लेके आते हैं। तो शेल्स जो है वो एक्चुअली इनका खाना वाना खरीदने के लिए मदद करते हैं। देखो इसने फिर से मार दी डुबकी और लेके आ गया कॉम्फी चेयर। तो ये उठा के चेयर लेके आ गया, मतलब इतना छोटू सा ओटर चेयर लेके आ गया, मतलब कैसे ला रहा है भाई। लेकिन ब्रैड बोल रहा है कि भाई ये क्या है, एक चेयर लेके आ गया, अधूरा सा लेके आ गया। तो ये लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, मतलब चेयर और क्या बोलते हैं पियानो लेके आ जाते हैं, पियानो का कभी उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिल रहा है, उसका कीज मिल रहा है, उसका ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसे करके वो फाइनली पियानो भी बना देते हैं। ऐसे चमत्कारी चमत्कारी लोग हैं कि क्या ही बोलने का। अभी ओटर तो रियल लाइफ में इतने क्यूट होते हैं पर एनिमेशन उनका कार्टून पार्ट इतना ज़्यादा क्यूट है भगवान। ये देखो इस चुटकू को खाने का मन कर रहा है कैम्स, तो सॉरी क्लैम्स। तो इनका ना मतलब इनका इतने सारे खाना का है ना इनके पास ऑप्शंस, देखो फिश है इनके पास, सार्डिन्स है, क्लैम्स है, ऑक्टोपस है, पिज्जा है, ये लोग पिज्जा भी खाते बोलो, हाँ अलग ही डिमांड वाले लोग हैं। और इनका और क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ खाते हैं, सैमन खाते हैं बहुत, मतलब इनका तो स्क्विड वेड क्या क्या नहीं खा लेते। ठीक है, तो अभी ये भूखड़ा कह रहा है कि मुझे तो खाना चाहिए, ब्रैड लगता है भूखा ही रहता है। तो वो भी उसको बोलता है, देख भाई तुझे खाना तो मिलेगा ही लेकिन हमें दूसरों को भी तो बचाना है, हम ही बच के नाचेंगे क्या। तो ये दोनों फिर से डुबकी मारते हैं, इस बार मैंने ब्रैड को भेजा कि बहुत खा लिया बेटा मोटे जादू, लेकिन इतने भूखे रहते हैं ना, दो डाइव मारा नहीं, मतलब एक डाइव मारा नहीं कि चले आते हैं कि मुझे खाना तो अपने मुंह पे इशारे करते रहते हैं और पेट गुड़ुम गुड़ुम हो रहा है वो सुनाते रहते हैं। तो मैंने फिर से इसको भेज दिया, ये क्या लेके आ गया देखते हैं। तो ये लेके हमारे लिए फिश, ये हमारे लिए कुछ खाना उठा के लेके आया। देखो ये लोग श्रिम्प भी खाते हैं, सही देख रहे हो, और चेरी भी खाते हैं, चेरी तो इनको बहुत ऐसे अलग लेवल पे खाते हैं लोग। ठीक है, तो ये देखो इसके हाथ में शेल्स हैं, ये हमारे चुनू क्रिश है, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ प्लीज कम बैक लेटर टकला, अलग एटीट्यूड है। लेकिन क्रिश के बारे में भी हम जानेंगे थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ जाने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, इसको अभी ये कोबी को श्रिम्प खाने की खुजली मची। तो बात ये है ना, ये हमारा जो गेम है बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब मैं इसको ऐसे खोज रही थी कि कौन सा गेम खेलूँ और रैंडमली मुझे ये गेम मिल गया। ओ माय गॉड, मैं जब से ये गेम खेल रही हूँ ना मैं पूरा दिन इसको खेलती रहती हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि इतना क्यूट गेम है और तो मतलब मेरे को हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है कि कौन सा ओटर मुझे नेक्स्ट मिलेगा भाई। तो अब मैंने कोबी को भेज दिया और देखो ब्रैड हमारा शेल्स लेके बैठा हुआ है। तो ये लोग जब बाहर घूम रहे होते हैं ना तो भी शेल्स इकट्ठा करते रहते हैं क्योंकि इससे उनको खाना मिलेगा। अब खाने के लिए तो इंसान मेहनत करता है ना,
तो कोबी किसको लेके आ गया? कोबी एक और खाने वाली चीज लेके आ गया जिसको बोलते सेवन। तो ये देख रहे हो आप, ये सारी खाने वाली चीज भी उठा के लेके आ रहे हैं कि अब तो मुझे यही खाना देना। तो अब देखो ये एक और ओटर भी चला है हमारा, देखते हैं इसमें क्या है। मैंने सारे ओटर आपके लिए रखे हुए ताकि आप देखो कि कौन कौन से ओटर आ रहे हैं। देखो विली इतना क्यूट है ना, इसका दांत देखा आपने, रगड़ देने का मन कर रहा है। मतलब एक एक ओटर मुझे मिल रहा था और मेरी आंखें फटी की फटी रह जा रही थी, मुंह से लाल टपक रहे थे क्योंकि मुझे इनको रगड़ देने का मन कर रहा था, इतने ज्यादा क्यूट है ये लोग। ओके इफ यू वॉन्ट टू डू देट देन वी विल नीड टू ब्लू। तो ये लोग क्या बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं रिस्टोर दिस एरिया, ठीक है। तो वो लोग एरिया को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जो जो भी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं वो सारे कलेक्ट करके ले आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बीच में चले गए हैं तो वहाँ जाके वो लोग सारा चीज़ें इकट्ठा करके वापस अपने आइलैंड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये बेचारा कोबी इधर उधर झूम झाम के गंदा हो गया, तो अभी इनको साफ भी कराना। तो बेसिकली वो लोग मुझे मेड समझ रहे हैं या उनका बेबी सीटर जो उनको नहलाएगी उनको खाना खिलाएगी, यही मेरा काम है। क्योंकि डुबकी मारना शेल्स इकट्ठा करना ये सारा काम तो यही कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रही कुछ। तो मेरे को बस इनको भेजना रहता है जाओ डाइव मारो, और मुझे वेट करना रहता है आओ आओ तुम लोग मैं इधर खाना बना के तैयार हूँ, तो ऐसा वाला नाटक करना रहता है। और ये देखो ये हमारा पफर फिश है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं शेल्स वगैरह खरीद सकते हैं, मतलब एड्स देख के। ऑब्वियसली हमारा एक और ओटर मिल रहा है, देखते हैं कौन है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा क्यूट, ओ माय गॉड, ये देखो यूनिक है, ये तो डोरा है इसका नाम। नाम भी देखो आप, और नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, पर इन्होंने इतना क्यूट नाम दिया हुआ है ना कि मेरे को नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और नीचे खुद ही क्यूट लिख दिया, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्यूट है कि नहीं, खुद ही क्यूट लिख दिया। राइट, ओह आई रिमेम्बर दैट यूज्ड टू बी अ सी गार्डियन हु प्रोटेक्टेड दिस एरिया। तो बात ये ना, ये लोग जो काम कर रहे थे ना तो उनका क्या हुआ, एक सी गार्डियन भी था जो इनका प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। हमेशा उसके रहने पर इन लोगों को कुछ नहीं होता था, ये लोग खुशी खुशी अपने आइलैंड में जी रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो अचानक से थोड़े देर के लिए आराम करने चला गया, बेचारा सो गया था, मैं बता दे रही हूँ, उसको बताना मत कि मैंने बताया है। तो वो बेचारा सोने चला जाता है और अचानक से हरिकेन उसी टाइम आ गया। अब गार्डियन अभी सोने चला गया तो क्या करेंगे ना, है ना। तो हैंडल जो है जैसे थॉर में वो चला जाता है तो उनके यहाँ आफत आ जाती है ना। तभी तो वो आई थी, क्या नाम है उसका, उसकी बहन है। ये देखो ये दूसरा एरिया है जहाँ पे ये कैथी है, ठीक है, और ये वाला जो है नॉम विलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें नॉम वगैरह सब कलेक्ट करने रहते हैं, पैसा वगैरह कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्पिन व्हील रहता है, ठीक है, तो हम स्पिन विन करके इस विलेज में जा सकते हैं। अगर स्पिन करते हैं तो हमें वहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्लावर्स वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर सजा सकते हैं, और वहाँ से हम लोग को पैसा वगैरह भी मिलता है, शेल्स वगैरह भी मिलता है। और एक यहाँ पे गोल्डन टूना है जिसको चटवा दो तो उनको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं, उससे उनका पेट भी भर जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बता दूँ तो ये गेम मुझे बहुत ही क्यूट लगा, और अगर इसको मेरे को पॉइंट देना होगा तो मैं 10 out of 10 दूंगी, मतलब क्यूट आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो ये देखो हमारे यहाँ पे दो और क्यूट ओटर्स हैं, लेकिन ये क्यूट ओटर्स थोड़े डिफरेंट है, ये देखो थोड़ी डरावनी है, पिंक है पर डरावनी है। तो लेकिन जो भी है ये एक है, इसके लिए हमें ये लोग कुछ खेलते वेलते नहीं है, इनके लिए हम ही इकट्ठा करके देते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे नॉम्स यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, उनको अगर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी हमें पैसे वगैरह मिलते हैं। तो ये गेम बेसिकली एक क्यूट सा गेम है, मैंने सारे ओटर वाले कलेक्ट करके रखे हैं ताकि आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। और अगर आप इस ये देखने के बाद आपने कभी ये गेम खेला है या नहीं खेला है या इसके बाद खेलने का मन किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि, और लाइक तो बनता है। ये देखो फाइनली क्रिस ने सोचा कि हमसे बात करेगा। हाय देयर, आई हैवन सीन यू अराउंड हियर बिफोर, माय नेम इज क्रिस, माय नेम इज कोबी, नाइस टू मीट यू कोबी, माय नेम इज क्रिस। तो क्रिस बेचारा एक छोटा सा क्रैब है, ठीक है, जिसके हाथ टूट गया है, वो भी अपने फैमिली से दूर हो गया इस हरिकेन, तो वो भी कोबी की मदद चाहता है कि कोबी की तो नहीं, कोबी और हमारी मदद चाहता है कि हम उसके फैमिली मेम्बर्स खोज के ला के दे दें। और वो हमारा एक्चुअली डेली टास्क रहता है, तो डेली टास्क में आपको उसका कोई तो एक फैमिली मेम्बर, उसकी पत्नी बच्चे इन सब से अलग हो गया बेचारा। तो मुझे पहले लगा क्रिस छोटा बच्चा है, लेकिन क्रिस पापा है घर का,
तो उसके भाई बंधु और उसकी पत्नी बच्चों को वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो एवरीडे हम उन्हें ढूंढ के लेना पड़ता है, ठीक है। तो आज देखो, आज उसका मामा मितिन, उसकी पत्नी गायब हो गई है, तो वो पहले पत्नी चाह रहा है कि बच्चे गए बाढ़ में, पहले पत्नी ला के दे दो। तो हमने बोला ठीक है भाई, तुझे पत्नी चाहिए तो हमें क्या, हम भी पत्नी ला के देंगे। तो अभी चलो जाते हैं, ढूंढते हैं उसकी पत्नी किधर है, कहीं बैठी हुई है। और यहाँ पे ना उनका देखने पर भी हमें पता चलता है, वो लोग काइंड ऑफ बता इशारा दे देते हैं कि ये कहाँ बैठी होगी। ये देखो यहीं पे रॉक पे बैठी मिली, हाँ। और इनका एक लव मिलाप होता है, ओहो आजा 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 आ। और उससे हमें शेल्स भी मिलते हैं और हमारा तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये गेम ना बाप रे बहुत ज़्यादा ही क्यूट गेम है। और यहाँ पे बेचारे ओटर गंदे हो जाते हैं, इल हो जाते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह, उसके लिए साफ़ सफाई का सारा काम सब करना पड़ता है। तो अभी देखो इनके लिए पिल खरीद लेती हूँ और इसको चटा देती हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगी हमारी डॉटी। और कितना खुशहाली देखो, हाँ इतने गुस्से में मुझे दिख रही, मारूंगी ना बेचारे। तो ये वाला गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको भी ये गेम अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे ही बटन है, रेड कलर का बटन है जिसको दबाना है, ठीक है। तो दबा के जाना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, डरना नहीं है। देखो हम बोलते हैं रेड बटन है मत दबाना, डेंजर है, दिस इज नॉट डेंजर, ये आपके और मेरे कनेक्शन का, फ्रेंडशिप का पहला स्टार्ट है। तो आपको नीचे दबा दो, चले आओ। ये हमारा एक और ऑर्डर मिल गया है जिसका नाम है बिट्सी, ये भी क्यूटी है, क्यूटी पाई, क्यूटी 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 क्यूटी। तो आपको ये गेम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको मैं कैसी लगी, मेरी आवाज़ कैसी लग रही, क्या आप मुझे देखना चाहते हैं। और आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं डेफिनेटली, मैंने प्ले टुगेदर का भी एक दो वीडियो बनाया हुआ है, वो गेम भी बहुत सही गेम है, वो गेम भी मैं 3-4 महीने से खेल रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी फाइनली एक टीकी मास्क से हमें फाइंड करना था, तो हमें टीकी मास्क मिल गया, तो उससे हमारा फाइनली ये बंदा आ गया जो हमारा गार्जियन है, ठीक है। तो उसका हानू उसका नाम है, ठीक है। तो वो बहुत जोर से ताहड़ता है, इसलिए बेचारा कुबी ने कान अपना बंद कर दिया था। तो ये बेचारा बोलता है कि मैं थोड़ा थक गया था तो इसलिए सो गया, और गलती होगी मेरे से, माफ कर दो मुझे। तो कोई बोलता है कोई नहीं भाई, ठीक है, अब बस आफ्टर द नो आई एम करेंटली क्वाइट वीक, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू रिचार्ज, देर आर ए फ्यू आइटम्स दैट कैन हेल्प स्पीड अप द प्रोसेस बट दे हैव ऑल संक इनटू द ओशन, दैट्स नो प्रॉब्लम, ऑल ऑफ अस Otters are currently cleansing up the sea. I'm sure we'll find it. Alright then, please find the mysterious rock first and remember leaving it somewhere. ठीक है, तो अभी क्या है? ये हमें पहले टीकी मास ढूंढना था, क्योंकि टीकी मास के अंदर ही हमारा आहानू था। अभी आहानू मिल गया, तो आहानू ने हमें आइडिया दिया कि देखो भाई मैं तो मिल गया, लेकिन अब तुम्हें एक मिस्टीरियस रॉक खोजना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, तो मेरे को स्टिल आराम की थोड़ी ज़रूरत है। ये देखो ये हमारा रेडियो है, रेडियो के भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स करके फाइनली रेडियो होता है, वो भी साइड में रहता है, मतलब डेकोरेशन का ही काम है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये हमारे सारे पीसेस वगैरह मिलते हैं, जैसे ये फाइनली हमें मिस्टीरियस रॉक मिल गया, ठीक है। तो ये रॉक से फाइनली यू फाउंड इट द मिस्टीरियस रॉक, वेरी गुड, विद इट आई कैन रिस्टोर ए लॉट ऑफ, तो अभी क्या पावर रिस्टोर करने के लिए, हाँ। और इस क्या बोलते हैं, इसने काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन पावर है वो, फाइनली आहानू अपना पावर डाल सकते हैं ताकि ये फिर से प्रोटेक्ट हो जाए और इस पे कोई आंधी तूफान इसको हिला ना सके, ठीक है। फाइनली आहानू बैक इन ट्रैक आ गया है, बैक इन मोशन हो गया है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, नॉट जस्ट इट, इट टेक्स टाइम टू फॉर पावर टू गिव अस, ओहो द नेक्स्ट स्टेप आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड अ प्लेस ऑफ पावर फॉर द रिचुअल, तभी क्या है ना इसको एक रिचुअल करना है ताकि ये प्रोटेक्शन हमारे पे डाल सके। तो काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक वाली बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं है, ये क्यूट ओटर मैजिक है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा एक मिस्टीरियस केव है जो इतना ज़्यादा क्यूट है भगवान, तो इस केव को खोलना है हमें ताकि इसके अंदर जाके ये लोग रिचुअल कर सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट मीन, तो
ब्रैड सोचता है कि मैं तो बाली हूँ, मैं तो अंगद हूँ, मैं तो हनुमान हूँ, मैं तो आज तोड़ डालूंगा इस दरवाजे को। लेकिन बेचारा हताश निकल के आता है, वो इतना पावरफुल नहीं है। तो अभी क्या होता है, इस दरवाजा खुलने के बाद क्या होगा, और क्या इसके और भी पार्ट्स हैं, क्या इसके और आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट और ऑटर मिलते हैं, तो ये जानने के लिए आपको कल देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मैं लास्ट ऑटर के साथ आपको छोड़ कर जाती हूँ। सब्सक्राइब करना, अगर ये ऑटर का कलर आप गेस कर सको तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। ठीक है, बाय।